नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होते ही राज्य सरकारों ने फिर से लॉकडाउन का सहारा लिया, जिसके चलते छोटे से छोटे व्यापार और बड़े से बड़े उद्योगों को बंद करना पड़ा। यूपी समेत पूरे देश में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। पहली लहर में भी जीडीपी को बहुत नुकसान पहुंचा था, वहीं दूसरी लहर ने जीडीपी को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जीडीपी को ऊपर लाने के लिए क्या कुछ करना जरूरी है। तो आज हम राजनीति से परे व्यापार संगठन के नेता से चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे व्यापारियों का दर्द। जिस तरह से दूसरी लहर में लोगों ने अपने धंधे बंद करने पड़े, लोगों को अपने बिजनेसेस बंद करने पड़े, वहीं अर्थशास्त्री से जानेंगे जीडीपी को किस तरह से ऊपर और हम ले जा सकते हैं, उस पर किस तरह से किक देना इस वक्त जरूरी हो गया है। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। करीब एक हफ्ते पहले देश की जीडीपी के आंकड़े जारी हुए थे, तब से अब तक जीडीपी और देश की इकोनॉमी पे चर्चा चल रही है। आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि जिस साल नोटबंदी हुई उसके बाद से देश की जीडीपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रही सही कसर कोरोना वायरस और उसके बाद देश में लगे लॉकडाउन ने पूरी कर दी। देश में आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण देश में जीडीपी पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला है। तिमाही आधार पर पिछले साल देश की जीडीपी 24% तक नीचे गिर चुकी है, जबकि सालाना आधार पर ताजा आंकड़ों के अनुसार 7% से ज्यादा नीचे है, जो 40 सालों के इतिहास में सबसे खराब है। अगर हम राज्यवार नजर डालें तो किस राज्य को कितना नुकसान हुआ तो आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। राज्यवार नुकसान, झारखंड 8,897 करोड़, बिहार 18,666 करोड़, छत्तीसगढ़ 9,446 करोड़, ओडिशा 14,449 करोड़, उत्तर प्रदेश 46,352 करोड़, पश्चिम बंगाल 37,252 करोड़, भारत 6,00,000 करोड़। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा तो ले लिया गया, लेकिन लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया। भारत में 6,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं अब जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो अनलॉक की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। यूपी में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व में प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में ढील दे दी गई थी, अब लखनऊ समेत इन 4 जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। कर्फ्यू में छूट देने का ये आदेश कल सुबह से लागू किया जाएगा। TM9 की बैठक के बाद सीएम योगी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बड़ी बात यह है कि लंबे समय से व्यापारी वर्ग मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे उनका व्यापार पटरी पर लौट सके। अब जब अनलॉक की घोषणा कर दी गई है तो व्यापारियों में एक उम्मीद जगी है और जानकारों का भी मानना है कि अनलॉक अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी साबित होगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की परिस्थितियां भारत देश ने झेली है उसके चलते जीडीपी में भारी गिरावट आई। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वी रिकवरी के साथ जीडीपी दर को बढ़ावा मिलेगा, हालांकि ऐसा हुआ भी जैन, और मार्च की चौथी तिमाही में जीडीपी 1.6% की बढ़त भी दर्ज की। लेकिन उसके बाद जिस तरह से दूसरी लहर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़े उसके चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा और जीडीपी एक बार फिर नीचे गिरती नजर आई। तो इसी पर आज बड़ी चर्चा को हम आगाज देंगे और इस पर हम ये भी सवाल करेंगे कि जिस तरह से लॉक की स्थिति थी और अब अनलॉक होने जा रहा है, वहीं तीसरी लहर का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है कि जिस तरह से तीसरी लहर आ सकती है तो फिर से कहीं अनलॉक की स्थिति तो नहीं पैदा हो सकती, और इस वक्त भारत में किस तरह के हालात है, क्योंकि जो बड़े बिजनेसेस हैं उसी के साथ साथ छोटे कारोबारी गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने भी भारी परेशानियां झेली हैं। अगर हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश की तो 50 दिन में 12,650 कारोबारियों को चपत लगी है, इतने रुपए का नुकसान आए दिन हो रहा है लगातार जीडीपी के चलते, और वहीं महंगाई की मार भी झेली जा रही, जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम
लगातार निरंतर बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी ये सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त व्यापारियों के लिए भी है कि वो अपने कारोबार को एक बार फिर सर पटरी पर कैसे लेकर आए। तो लॉकडाउन ने किस कदर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी है ये सबके सामने है। वहीं पिछले बार 2020 में इस समय तक लोगों के लिए एक राहत पैकेज की भी घोषणा की गई थी, हालांकि इस वक्त ऐसा कुछ भी घोषणा नहीं की गई है। वहीं अनलॉक बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से लगातार जो रिकवरी रेट है अब कोरोना की वो 96.7 पर आ गई है, तो उसको लेकर अनलॉक की स्थिति पैदा की गई है। आज पहला दिन था जहाँ कोरोना के केसेस 1 लाख से कम दर्ज किए गए, तो उसको लेकर तमाम जगहों पर राज्यों के अनुसार अनलॉक किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी 75 जिलों में अनलॉक की स्थिति बन गई है, अनलॉक कर दिया गया है। व्यापारी दोबारा से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पटरी पर लाने के लिए कार्यरत होंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी उस भरपाई को करने के लिए, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो लगातार भारत में जीडीपी दर घटती नजर आ रही है, इसको लेकर भी चिंताएं लगातार बढ़ी हैं कि किस तरह से जीडीपी को ऊपर लाया जाए, कोरोना के चलते जो अर्थव्यवस्था को भारी चोट पड़ी है उसको कम किया जाए। तो आंकड़े एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जिस तरह से आंतरिक व्यापार को राज्यवार नुकसान किस तरह से पहुंचा है, तो झारखंड में 8,897 करोड़ का नुकसान हुआ, वहीं बिहार में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान झेलना पड़ा, छत्तीसगढ़ ने 9,446 करोड़ रुपए का नुकसान झेला, वहीं उत्तर प्रदेश ने 46,352 करोड़, और भारत की बात करें तो 6 लाख करोड़ का आंतरिक नुकसान झेला गया है। तो ये नुकसान की भरपाई किस कदर होगी, क्योंकि लोगों के जेब में पैसे नहीं, और अगर पैसा बनाना है तो आपको नोट छापने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उन नोटों को छापने के लिए भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जिससे केंद्र सरकार को अब गुजरना है, और उस पर जीडीपी ग्रोथ को किस तरह से भारत की बढ़ाया जाए और जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसको कैसे सही किया जाए, इसको लेकर भी कई गहरे कदम उठाने की इस वक्त जरूरत है। तो अनलॉक से क्या दोबारा से पटरी पर लौटेंगे कारोबार, और जिस तरह से लोगों को महंगाई का और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है उसके चलते क्या अब एक बार फिर से पटरी पर वापस से जीडीपी की रफ्तार भरना चालू करेगी क्या अनलॉक एक बार फिर से। वहीं तीसरी लहर का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जो पैकेज है राहत पैकेज, इसके पिछले साल तक इस टाइम तक दे दिए गए थे, लेकिन हालांकि अभी गरीब तबके और मिडिल क्लास के लिए कोई भी ऐसा राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। तो लोगों की नज़रें उस पर भी टिकी हुई थी कि कहीं ना कहीं राहत पैकेज आएगा, हालांकि ऐसा कोई राहत पैकेज अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा पारित नहीं किया गया है। लेकिन वहीं व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है, जिस वजह से उनकी जो दुकानें बंद थी और जिन्होंने अभी शुरुआत की थी अपने कारोबार की वो भी ठप होने के कगार पर आ गए हैं। 1,25,000 कारोबारी उत्तर प्रदेश में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से भारी नुकसान हुआ है उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो वही चर्चा में आज हमारे साथ संजय गुप्ता व्यापारी नेता हैं, वो शामिल हैं, साथ ही साथ हमारे साथ एपी तिवारी जी अर्थशास्त्री हैं, और संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जो हमें बताएंगे कि इस वक्त कोरोना के चलते क्या स्थिति है। लेकिन सबसे पहले आज राजनीति से हटके मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि 1,25,000 कारोबारी उत्तर प्रदेश में है मात्र, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा उसके चलते कितनी परेशानियां आप लोग को झेलनी पड़ी है। देखिए, इस लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। हमारे सामने दो तरफ से चुनौतियां थी, एक तरफ तो हमारी आमदनी पूरी तरीके से बंद थी, दूसरी तरफ से हमारे सारे खर्चों के जो मीटर हैं वो चल रहे थे, चाहे हमारे किराए हों, चाहे हमारे बिजली के बिल हों, चाहे हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहें हों, चाहे बैंकों का ब्याज हो, बैंकों की किस्तें हों और घर के खर्चे हों।
ऐसी स्थिति में व्यापारी 2 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से लगातार व्यापार कहीं ना कहीं संकट में था। नोटबंदी के बाद GST आई, GST के बाद 2020 में जो कोविड का हम लोगों ने संक्रमण झेला उसमें हम लोग परेशान हुए। कुछ स्थिति सुधरने की नौबत आई थी तो ये फिर मार्च में फिर चीज़ें लास्ट में शुरू हो गई, जिसकी वजह से पूरा व्यापार चौपट हो गया। छोटा और मझोला व्यापारी तो एकदम ख़त्म हो गया, उसको तो अब नौकरी करने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि 2 महीने में उसकी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई, उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये स्थिति व्यापार की है। साथ ही साथ जब बाज़ार खुलेंगे तो हमारे सामने लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। वो सभी चीज़ें हमारे सामने पेंडिंग्स पड़ी हैं, वो 2 महीने जितनी चीज़ें पेंडिंग हुई हैं। सबसे पहले हमारा संकट तो इस बात का है कि उस पेंडेंसी को हम कैसे निपटाएं। अनलॉक अप किया गया और आप बता रहे हैं डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, बंद थी दुकानें लेकिन किराया आपको देने पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नाराजगी भी होगी सरकार को लेकर, क्योंकि उन्होंने किराया माफी की ओर कदम नहीं बढ़ाया या उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिनके लिए उन्हें सोचना चाहिए था, उन तमाम कारोबारियों के बारे में। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने 29 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की थी, मैं स्वयं उसमें गया था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को, मैंने उनको बहुत ही ज्ञापन दिए थे, लगभग 6 ज्ञापन मैंने उनको दिए थे। हम लोगों ने ये मांग की थी कि 1 साल तक का व्यापारियों के कॉमर्शियल विद्युत कनेक्शन पर जितने भी सरचार्ज, मिनिमम चार्ज, फिक्स चार्ज, कोई भी चार्ज लगे हैं उसको केवल बिजली का बिल का जो विद्युत मूल्य है केवल वो लेवें, बाकी सारे चार्ज खत्म कर दें 1 साल के लिए। साथ ही साथ कॉमर्शियल हाउस टैक्स वित्तीय वर्ष 2021-22 का वो समाप्त कर दें। GST में जिन व्यापारियों की जो GST में पंजीकृत हैं उन व्यापारियों की जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है उनको व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए उस बीमे योजना में शामिल कर लें, क्योंकि अभी जो बीमा सरकार दे रही है वो किसी बीमा कंपनी से नहीं है, सरकार और विभाग खुद से अपने पास से दे रहा है। ऐसे में उसकी परिभाषा का दायरा बढ़ाया जा सकता है केवल दुर्घटना से ना जोड़ करके, जिसके लिए सरकार ने अन्य वर्गों को दिया है, पत्रकार बंधुओं को दिया है, अधिवक्ता बंधुओं को, कुछ लोगों को दिया है, उसी तरीके से व्यापारियों को भी अगर दें तो कुछ व्यापारियों के परिजनों को राहत मिलेगी। और एक वित्तीय पैकेज की मांग हम लोगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, अभी 1 हफ्ता पहले मैंने रक्षा मंत्री जी से फ़ोन पर बात करके उनसे भी मैंने कहा था कि व्यापारियों के लिए एक वित्तीय पैकेज आए। जो पिछली बार आप पैकेज की बात कर रही हैं उस 120 लाख करोड़ के पैकेज में व्यापारियों के लिए नहीं था, इंडस्ट्रीज के लिए था लेकिन व्यापारियों के लिए उसमें कुछ नहीं था। इस समय व्यापारियों को सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनके बैंक अकाउंट NPA ना हो जाए, इसलिए उनको कुछ ऐसा हो जाए कि जो उनके लोन्स हैं उसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, 3 महीने का ब्याज माफ़ कर दिया जाए, और जो दूसरे व्यापारी जिन्होंने लोन नहीं लिया है उनको आसान शर्तों पर लोन दे दिया जाए, बिना सिक्योरिटी के लोन दे दिया जाए, तो कुछ हद तक का चीज़ें शुरू हो सकती हैं। फिलहाल स्थिति व्यापारियों की अच्छी नहीं है। बिल्कुल AP तिवारी जी, अगर आपने ये तमाम जो इनकी मांगे हैं या इन्होंने जो गुजारिश की है सरकार से अगर आपने वो सुना हो तो उसके लिहाज से भी आप मुझे बताइएगा कि ये कितना जरूरी हो जाता है सरकार के लिए इन तमाम चीजों पर कार्य करना, और क्या ये सरकार के लिए इस वक्त जहां पर GDP इतनी नीचे जा चुकी है, अर्थव्यवस्था की गिरावट को हम झेल रहे हैं, साथ ही साथ पैसे की भी तंगी आ रही है, इन सब के बीच क्या आपको लगता है अर्थव्यवस्था को एक आपको बूस्ट देना है, उन बीच इन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए संभव हो पाएगा? आज तक कोविड के चलते जो पहला लॉकडाउन पहली लहर में उससे हम सभी जानते हैं कि जो GDP की गिरावट आई, GDP में जो संकुचन हुआ वो 7.3% का लेकिन अगर उसी में एक कह सकते हैं सिल्वर लाइनिंग का पॉइंट था कि खेती के क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया, 3.6% से खेती ने तरक्की की। अब जबकि लॉकडाउन की पूरी तरह से तो स्थिति नहीं थी लेकिन छितरे हुए तौर पे जो प्रतिबंध लगाए गए कोविड 19 की दूसरी लहर के तहत, तो इसका दुष्प्रभाव तो अर्थव्यवस्था पर पड़ा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या GDP की ग्रोथ रेट का जो अनुमान 11.5% से 12% तक का लगाया जा रहा था चालू वित्तीय वर्ष के लिए, उसको
विभिन्न एजेंसीज और यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी घटाकर 9.5% पर रख दिया है। ऐसे में जब 9.5% की ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है गणितीय तौर पर कि जब तो हम पिछले लॉकडाउन में जीडीपी में जो गिरावट दर्ज हुई, जो उसमें कमी आई, वो एक लो बेस कहते हैं। लो बेस से अर्थव्यवस्था में जब रिकवरी होगी तो वो बहुत सिग्निफिकेंट दिखेगी, और इसी के तहत ये अनुमान लगाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो ग्रोथ रेट होगी जीडीपी की वो 11.5% तक हो सकती है। कुछ अनुमान तो ये थे कि ये 12-13% तक भी जा सकती है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट को झटका लगा है दूसरी लहर के चलते, इसको नकारा नहीं जा सकता। अब तो 9.5% का अनुमान है। अब अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं कमोबेश, कहीं कम असर पड़ा, कहीं ज्यादा असर पड़ा। जैसे संजय जी रख रहे हैं कि व्यापारियों का जो क्षेत्र है, जो ट्रेडिंग सेक्टर है, उसे राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ये मैं भी इस सहमत इस बात से कि राहत की दरकार बनती है, राहत का केस बनता है। उनकी जो माली हालत खस्ता है, जो कह सकते हैं झटका लगा है व्यापार को उनके, लेकिन सरकार के अपने बजट की सीमाएं हैं। कुछ बातें संजय जी ने जैसे रखी है तो मैं सहमत हूँ कि जैसे बीमा का जो तर्क है कि बीमा कवरेज का विस्तार किया जाए, कुछ राहत दे दी जाए ब्याज में जो कर्ज दिया जा रहा है उनको, तो इस पर विचार किया जा सकता है सरकार के स्तर पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी बिल्कुल हालिया जो नीति है उसमें जैसे ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन 50,000 करोड़ रुपए के बराबर लगभग अतिरिक्त लिक्विडिटी को अर्थव्यवस्था में डालने की कोशिश की है, और जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, ट्रांसपोर्ट है, उसमें लिक्विडिटी का प्रवाह जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। तो बड़े ही जैसे चाहे भारतीय रिजर्व बैंक हो या भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, और राज्यों के स्तर पर भी जो वित्तीय स्थिति देखनी पड़ेगी कि राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे अभी जो आपने आंकड़े पेश किए उसमें है कि विभिन्न राज्यों में 1,000 करोड़ रुपए के बराबर का नुकसान अलग अलग हुआ है राज्यों को, किन्हीं को कम किन्हीं को ज्यादा। सवाल इस बात का है कि अगर कारोबार प्रभावित दुष्प्रभावित हुआ और आय में गिरावट दर्ज हुई, कारोबार में नुकसान हुआ है, तो इसका जो एक ऋणात्मक या निगेटिव पॉइंट होगा वो ये कि सरकार की जीएसटी कलेक्शंस भी घटेंगे। अब ऐसी स्थिति में जबकि सरकार को विभिन्न मदों पर खर्च करना होता है, उसको अपने बजट घाटे को नियंत्रित करना होता है, तो राजकोषीय नियंत्रण करना होता है, राजकोषीय घाटा कम करना, राजस्व घाटा कम करना, अन्यथा जैसे एक बात अभी आपने उठाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण भी है, महत्वपूर्ण चर्चा के लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये फिजिबल नहीं है कि अतिरिक्त नोट छाप कर बिल्कुल ये समझ रहे कि इस वक्त तमाम चीजें जो है वो हाथ से बाहर निकल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जीडीपी को बूस्ट देना है, तो केंद्र सरकार को उन तमाम व्यापारी, उन तकबे जो निचले तकबे के लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जेब में पैसा तो रहा नहीं अब लोगों के। देखिए जो अनुमान है उसमें और ये अनुमान तार्किक है कि रिकवरी जो आरंभ होगी वो यू शेप होगी, यू आकृति की होगी, अल्फाबेट अंग्रेजी के यू आकृति की होगी, ये इस बार की वी शेप रिकवरी नहीं होगी, अर्थात तेजी से गिरावट और तेजी से वृद्धि, ये रिकवरी नहीं होगी, गिरावट और फिर स्थिरता और फिर वृद्धि। अभिप्राय ये है कि अगस्त के शुरुआत से या अगस्त के मध्य से ही हम किसी तरह की रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा झटका लगा है इस दूसरी लहर में वह नगर क्षेत्र के जो मध्य वर्ग के लोग हैं, नगरीय क्षेत्र के और उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी आय पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है।
जहां तक खेती का क्षेत्र है, मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो आय ग्रामीण क्षेत्र की आती है वो कृषि क्षेत्र से आती है। और मई में अगर ऐसे देखा जाए कि पीक था कोरोना की दूसरी लहर का गांव में, और गांव तक पहुंचा दूसरी लहर के तहत ये, लेकिन उस समय खेती का काम नहीं होता, मानसून अच्छा जाएगा ऐसे अनुमान है, लगातार मानसून का अच्छा जाना खेती की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। मैं समझता हूं कि जब खेती की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो मांग बढ़ेगी, और बढ़ी हुई मांग क्रमिक रूप में, अचानक नहीं, धीरे धीरे स्वयं स्वयं एक प्रकार की रिकवरी को जन्म देगी। मैं समझता हूँ अगर उस अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि आप इस बार वी शेप की रिकवरी की बात नहीं कर रहे, आप यू शेप की रिकवरी की बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे अब ऊपर जाने का ग्राफ जो जीडीपी का है उस पर बढ़ावा देने के लिए इस बार कार्यरत होगी सरकार, और तमाम जो राजकीय कोष घाटे हैं और जो भी वित्तीय कोष घाटों में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। ठीक है, मैं आप पर आऊंगी एपी तिवारी जी फिर से। अभी हमारे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, वो लगातार इन चीजों को लेकर ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभिषेक, आपको क्या लगता है किस तरह लोगों ने दूसरी लहर में किस हद तक मार झेली और कितना असर पड़ा है? जी बिल्कुल, कीर्ति आपसे बताना चाहेंगे, आपने देखा होगा दूसरी लहर के पहले जो पहली लहर निकली उसमें भी तमाम ऐसी दिक्कतें आई जो व्यापारियों को देखनी पड़ी। एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना की मार के साथ मंदी की मार आई है, जो छोटे व्यवसायी, बड़े व्यवसायी, पटरी घरेलू दुकानदार सभी का एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को इसने अपने बुरे प्रभाव से प्रभावित किया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इससे कितनी दिक्कतें आती हैं। तमाम दुकानें हैं दूसरी लहर में, पिछले चार महीने से लगातार जो है दुकानें बंद हैं, पटरी रही दुकानदारों के यहाँ खाने पीने की कमी है ना, तमाम ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। हेलो जी, ठीक है संजय जी, क्या लगता है जिस तरह से एपी तिवारी जी ने कहा कि आपकी सारी मांगों को पूरा करना सरकार के अभी फिलहाल बस में नहीं है, हाँ लोन वाली जो आपकी बात थी वो कहीं ना कहीं वो पूरी कर सकते हैं और उस पर आगे कदम उठाना भी नहीं चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी मांगों को कम करेंगे, कुछ एक दायरा अपना जो है आपका वो समेटेंगे और एक बार फिर से जो कारोबार है लोगों के ठप हुए या जिस तरह से नुकसान हुआ है उसको पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सरकार से हम लोगों ने कोई ऐसी मांग नहीं रखी है जिसको सरकार पूरी ना कर सके। हमने जो मांग रखी है वो स्टेप बाय स्टेप की, हमने 12 महीने के बिजली के कनेक्शन के सर चार्ज, फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज की बात कही है। जो कनेक्शन 3 किलोवाट के हैं उस पर फिक्स चार्ज और मिनिमम चार्ज अगर देखेंगे तो 50-60 रुपये के हिसाब से होता है। हम छोटे से लेकर बड़े तक के सबकी बात कर रहे हैं, तो किसी व्यापारी को उसको 200-250-300 रुपये महीने का फर्क पड़ेगा, किसी व्यापारी को 2-3-4 हज़ार रुपये महीने का फर्क पड़ेगा। हम लोगों ने बिजली के जो सरचार्ज की माफ की बात कही उसलिए कही है कि सरकार के पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे खर्चे कुछ कम होंगे तो हम आगे कुछ चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, उस नाते से हम लोग बिजली के बिल के उसकी मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हाउसेस की बात अगर हम लोग करें तो सरकार को तत्काल, अगर सरकार नहीं माफ़ करती, सरकार को तत्काल मिलने भी नहीं जा रहा, क्योंकि जब हमारे पास है नहीं तो हम देंगे कहाँ से। ऐसी स्थिति में बही खातों में सरकार के पास भले वो पेंडिंग दिखेगा लेकिन हम सरकार को दे नहीं रहे हैं, यदि गवर्नमेंट उस पर छूट दे देगी तो हमें एक साल में किसी का 10,000 का टैक्स होगा, हाउस टैक्स होगा, किसी का 20,000 होगा, किसी का 2,000 का होगा। तो सरकार से हम बहुत लंबी चौड़ी कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारे खर्चे हैं उसमें हमको राहत मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। जो हम लोगों ने 10 लाख रुपये बीमे की बात कही है, तो इस बार 2 साल से गवर्नमेंट जो GST विभाग है किसी बीमा कंपनी से बीमा नहीं करा रहा, क्योंकि ये देखा गया कि प्रीमियम उससे ज़्यादा हो जाता जितना उनका क्लेम होता है। तो सरकार के पास वो फंड है, सरकार के पास वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम केवल GST में पंजीकृत व्यापारी जो कोविड से मृत्यु को प्राप्त हुए उनके लिए 10 लाख की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग, मुझको लगता है कि पूरे कोविड काल में अगर 2 महीने हम देखेंगे तो पूरे UP में मुश्किल से मुश्किल 2,000 लोग होंगे, तो वो कोई बहुत बड़ी हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। ब्याज घटाने की जो हम बात कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ब्याज घटा सकते हैं। अगर जो लोन हमारे NPA ना हो जाए इसकी हम बात करें तो सरकार इस बात को कह सकती है, क्योंकि NPA हो जाने में सरकार का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बैंक का भी कोई फ़ायदा नहीं है, व्यापारी का भले नुकसान है क्योंकि अगर वो अपनी किस्तें नहीं देगा, अकाउंट NPA हो जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी सीधी उसकी लगी सिक्योरिटी में उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बैंक लग जाएगा, व्यापारी का नुकसान होगा लेकिन इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। इसी तरीके से यदि आसान शर्तों पर ऋण दे देंगे
तो सरकार तो बैंक के लोन देने के लिए बैठी हुई है। अगर बैंक के लोन दे दें, मुद्रा लोन में थोड़ा और सुगमता ला दें तो व्यापारियों को मिले। कुल मिलाकर यदि व्यापारियों को पूंजी आप नहीं उपलब्ध कराएंगे, व्यापारियों के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आगे मुश्किल होगा, क्योंकि यूपी में 60% व्यापारी छोटा और मझोला है, यूपी में इंडस्ट्री कम है। ऐसे में ट्रेडर्स को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। यदि ट्रेडर्स मजबूत नहीं होगा तो सरकार का राजस्व भी घटेगा, ये दोनों चीज़ें देखनी है। अभी जो सरकार की GST बढ़ी हुई दिख रही है, कुछ गनीमत दिख रही है, वो दिख रही है ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से। सरकार को एक दिशा में ये भी काम करना पड़ेगा कि अपने परंपरागत व्यापारियों को मजबूती देने के लिए देश में ऑनलाइन ट्रेडिंग पर जो विदेशी बड़ी कंपनियां कर रही, इस पर कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी दो तरफा नहीं चौतरफा माल झेल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग पे भी हमको कहीं ना कहीं जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां कर रही, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। सरकार को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ेगा जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उस प्लेटफॉर्म पे आकर बिजनेस करें, जनता को भी माल मिल जाए और व्यापारियों की बिक्री हो जाए, उन व्यापारियों की बिक्री हो जो अपनी दुकानों पे कर रहे हैं वो ऑनलाइन भी आ जाए। सरकार को इसका कोई मैकेनिज्म बनाना होगा। बिल्कुल, एपी तिवारी जी, यही चीज पर मैं भी लगातार कहती हूँ, जिस तरह से संजय जी ने भी कहा कि पैसे होना भी जरूरी है। अगर हमारे पास खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे, अगर हमारे पास मुद्रा नहीं होगी, तो हम उसे इन्वेस्ट कैसे करेंगे और उससे राजस्व कैसे बढ़ाया जाएगा, तो इस पर भी तो सरकार को सोचने की जरूरत है। हालांकि नोट छापना इतना आसान नहीं है। इसको दो मैं समझता हूँ हिस्सों में देखा जाए। एक तो केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार का तो एक बजट है और फिर राज्य सरकार का। संजय जी ने जो बात रखी है, मैं समझता हूँ कि व्यापारी संघ हैं, एक संघ से संजय जी भी जुड़े हुए हैं, सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से बात करके चर्चा करके जो कहेंगे दी हुई परिस्थितियों में फिजिबल है उसको, तो जैसे ब्याज की बात उठाई है, पूंजी ज्यादा जाए हाथों में ट्रेडर्स के, हाँ कर की राहत, जैसे हाउस टैक्स की बात की राहत की गई, राहत देने की बात की है, वो भी विचार किया जा सकता है उस पर। बिल्कुल तार्किक बात रख रहे हैं कि अभी तुरंत तो पेमेंट होना नहीं हाउस टैक्स का, क्योंकि और सरकार ने भी कहा है कि अपने निर्देश में कहा है कि सख्ती नहीं की जाएगी हाउस टैक्स के पेमेंट में। तो ऐसी स्थिति में एक राहत दी जा सकती है, ब्याज की राहत एक कह सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। पूंजी हाथ में जाए व्यापारी के, एक बड़ा अहम मुद्दा उठा रहे हैं संजय जी कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, क्योंकि जो परंपरागत व्यापारी था उसका कार्य चौपट हो रहा है। जो परंपरागत व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रणाली थी उसको मजबूती देनी होगी। ये कोरोना न भी आया होता तो ये एक तर्क है, जहां तक मैं जानता हूं संजय जी इस बात को बार बार विभिन्न मंचों पर उठाते रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो व्यापार करते हैं छोटा मोटा, उन सबको मजबूती दी जाए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग से इनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जबकि भारतीय परंपरा में, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन ट्रेडिंग के आने से ये जो एक सेक्टर है जिसको हम ट्रेडिंग सेक्टर कहते हैं, जो झटका लगा है वो झटका कम लगता अगर ये इसमें मजबूती होती। लेकिन ये कमजोर पहले से ही था और कोरोना ने इस कमजोरी के चलते इस क्षेत्र को सबसे तगड़ा झटका दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। लगातार ये चर्चा भी हो रही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए खर्च को भी बढ़ाने की जरूरत है, सरकार को उतना ही प्राथमिकता खर्च को भी देनी है। साथ ही साथ कोरोना तो है, ठीक है चला गया, लेकिन लोगों की जो व्यवस्था है उनको पटरी पर लाने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे ही, चाहे आपको कुछ परेशानियों को झेलते हुए आपको उसको करना पड़े, लेकिन आपको कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप खर्च नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरह से आप इकोनॉमी को ग्रोथ दे पाएंगे। देखिए, यही मैं बात रख रहा था जो पहले चर्चा में जिस बिंदु को मैंने उभारा कि सरकार की स्थिति, राजकोषीय स्थिति जिसे हम कहते हैं, वित्तीय स्थिति, खजाने की हालत इतनी टाइट है, क्योंकि पहले से कोरोना के प्रथम चरण में जिस प्रकार की कहेंगे झोंकी गई राजकोषीय क्षेत्र से पूंजी कह सकते हैं या नकदी, और उसका परिणाम
हुआ कि राजकोषीय घाटा सरकार का बढ़ गया। सरकार के राजकोषीय घाटे के बढ़ने का सामान्य रूप में ये लिया जा सकता है, इसका मतलब सरकार की उधारी बढ़ी। तो सरकार की अगर लगातार उधारी बढ़ती है तो इसके दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था पर अधिक घातक हो सकते हैं। राजकोषीय असंतुलन बढ़ने से जो विषम स्थितियां होंगी, जैसे जिस बिंदु को आपने भी उठाया आपकी चर्चा इस चर्चा में कि अतिरिक्त करेंसी नोट छापकर, करेंसी नोट छापने की अपनी सीमाएं हैं, ये क्षेत्राधिकार भारतीय रिजर्व बैंक का है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। किंतु भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक और वित्तीय नीति का संचालन बहुत ही सोच समझ कर रहा है। जैसे ग्रोथ को बढ़ाना है, अतिरिक्त तरलता अगर अर्थव्यवस्था में झोंकी जाती है तो उसका एक परिणाम, अनिवार्य परिणाम होता है कि महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई को नियंत्रित रखते हुए किस तरह अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को खासतौर पर नकदी या तरलता या पूंजी उपलब्ध कराई जाए जो ज्यादा झटका खाए हुए क्षेत्र हैं। इस ऐसे में आवश्यकता किसकी है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति है, मौद्रिक नीति है या बैंकिंग शाख नीति है, उसके बीच और भारत सरकार की राजकोषीय नीति या खजाने की नीति के बीच में समुचित तालमेल होना चाहिए। और अभी तक की जो कार्य प्रणाली रही है उसमें ये माना जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति दुनिया में सबसे ज्यादा सुप्रबंधित मौद्रिक नीति है। भारतीय रिजर्व बैंक कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहेगा कि ऊट पटांग तरीके से या अनाप शनाप तरीके से अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति या करेंसी नोट छाप कर अर्थव्यवस्था में इतनी विषम स्थिति महंगाई से पैदा कर दे कि जन सामान्य पर उसका दुष्प्रभाव कहीं कई गुना ज्यादा पड़े और पूरी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाए। इससे बचना चाह रहा है, बचना चाहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सरप्लस को, उसके लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के बराबर का जो सरप्लस उसके पास था उसको भारत सरकार को ट्रांसफर किया है, क्योंकि भारत सरकार की खर्च की अपनी जरूरत है। विभिन्न क्षेत्र हैं, रक्षा से लेकर सड़क निर्माण तक के, और सबसे जो अहम सेक्टर उभर आया है वो है स्वास्थ्य का क्षेत्र, वो है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा जो सरकारी खर्च की जरूरत है कि पूरा जो तंत्र लगा हुआ है कह सकते हैं इस कोरोना से जूझने में, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और यही नहीं, ये महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि इस चीज को भी उजागर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर जीडीपी की ग्रोथ आपको लानी है तो सबसे पहले कोरोना को नियंत्रण में करना है, और कोरोना को नियंत्रण पहली लहर में किया गया उसके बाद, लेकिन दूसरी लहर में फिर वही स्थितियां आ गई और अब तीसरी लहर का भी अनुमान जताया जा रहा है। पी तिवारी जी, पकड़ी है इसकी 42,000 से लगभग 42,000 करोड़ रुपए से 45,000 करोड़ रुपए की राजकोषीय लागत केंद्र सरकार को वहन करनी पड़ेगी, जो एक मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की जो बात, कोरोना के खिलाफ जो कवच दिया जा रहा है, जो कह सकते हैं वैक्सीनेशन है, उसकी लागत पड़ेगी। और अनाज मुफ्त नवंबर तक, तो इतनी दो समय का चूल्हा, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था शुरू में कि भुखमरी, भुखमरी की स्थिति न हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आम आदमी के जो गरीब जिसे कहते हैं 80 करोड़ आबादी आती जाती है, उसके उसका दो समय का चूल्हा गर्म हो, यानी हर परिवार में जो गरीब परिवार है उनको दो समय का भरपेट भोजन मिले, इसकी चिंता सरकार करे। तो इसका भी राजकोषीय एक कह सकते हैं राजकोषीय लागत सरकार को उठानी पड़ती है। और स्वाभाविक रूप में ये प्रायोरिटीज हैं, ये प्राथमिकताएं हैं, ये तरजीहें हैं जिनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता मौजूदा दौर में। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यदि जो यह वकालत की जा रही है कुछ एक वर्ग द्वारा कि अतिरिक्त करेंसी नोट छापे जाएं, लेकिन अगर अतिरिक्त करेंसी नोट छापे जाते हैं तो मेरा मानना है कि इससे महंगाई या जिसको मुद्रा स्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, वो समस्या इतनी व्यापक तौर पर बढ़ जाएगी कि उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा।
बिल्कुल, इन्फ्लेमेशन की जो आप बात करें और आरबीआई, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई कदम उठाएगी, इसलिए मैंने आपसे जानने का प्रयास किया, क्योंकि मुद्रा जो बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि लोगों के जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह से इसको रिकवरी में लाया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास इस वक्त में पैसे नहीं है। तो हम अभिषेक पर जाते हैं अपने रिपोर्टर और उनसे जानना चाहेंगे। अभिषेक, जिस तरह से लगातार एपी तिवारी भी जिक्र कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि आरबीआई के लिए भी बड़ी मुसीबत है, उनको भी इस तरह से मुद्रा को वो और नहीं बढ़ा सकते, साथ ही साथ सरकार भी चौतरफा घिरी हुई है, जिस तरह से हम लगातार महंगाई देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, लोगों के व्यापार ठप हो गए, हालांकि सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा पड़ी है, क्योंकि गरीब तबके की अगर हम बात करें तो हालांकि हम समझ सकते हैं कि दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जिस परिस्थितियों को झेल रहा है, उसको अपना हाउस टैक्स भी देना है, उसको अपना जो लोन लिया है वो भी भरना है, साथ ही साथ रेंट, जो रेंट पर अगर दुकान ली हुई है तो उसे भी करना है। तो एक बार हम जीडीपी को ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जीवन को दोबारा से पटरी पर लाना कितना मुश्किल होगा। एक बहुत बड़ी समस्या का विषय है, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि कम से कम एक महीने की जो इनकम है हमारे, क्या कहते हैं, प्रदेश की, वो 12 करोड़ से ऊपर तक के व्यवसाय से आती है, जिससे राजस्व का फायदा सरकार को भी होता रहा है। लेकिन अब ऐसे समय में जब मध्यम वर्गीय व्यवसायी से लेकर बड़े व्यवसायी तक सभी इस कोरोना के दूसरे लहर से परेशान हुए हैं, ऐसे कठिन समय में सरकार ही कोई ऐसा ठोस कदम उठा सकती है या कोई ऐसा फंड रिलीज कर सकती है जिससे व्यापारियों को हुए नुकसान का मुनाफा हो सकता है, और कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस समस्या से उभरा जा सके। ठीक है, कि वो किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, हालांकि वो 1,25,000 की जो इस समय बिजनेस उद्योग में जो व्यापारी हैं उनकी बातों को यहां रखने आया है और उन तमाम लोगों का दुख भी जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की मार इस वक्त वो तमाम व्यापारी तबके के लोग झेल रहे हैं। लेकिन संजय जी, मैं इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखती हूँ, क्योंकि महामारी पता नहीं थी, एकदम से आई, और सरकारें भी लगातार इसी चीज का दावा कर रही है कि महामारी के चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा, हालांकि वो अनिवार्य भी था क्योंकि जान भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन जान भी उतना ही जरूरी है और कारोबार भी लोगों का घर चलाने के लिए उतना ही जरूरी है। तो क्या अब अगला कदम आप लोग किस तरह से उठाएंगे, क्या अपने प्रोडक्शन और डिमांड को आप एक बार फिर से हाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार जरूरी वही है कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लोगों की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट मुहैया करा पाए और अपने बिजनेस को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में अग्रसर हों। देखिए, सबसे पहले तो लगभग 1 करोड़ व्यापारी जो छोटे मझोले मध्यम छोटे के हैं, और सरकार को व्यापारियों को हर तरीके से आगे बढ़ाना होगा, तभी चीज़ें सही हो पाएंगी, क्योंकि ये 1 करोड़ व्यापारी लगभग 2 करोड़ और लोगों को रोजगार देते हैं, क्योंकि हर दुकान पर 2-4 लोग होते हैं जी, यानी कि ये सीधे सीधे जो है बड़ी संख्या से जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की, और अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोग व्यापार में लगे हुए हैं। सरकार अभी एक यूपी गवर्नमेंट वर्चुअल मॉल बना रही है, जिसमें 1,000 शोरूम बनाने की बात कही जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जो देखिए ट्रेडिशनल व्यापारी हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है जी, ऑनलाइन वालों की ग्रोथ हुई है, 300% अधिक ग्रोथ हुई है ऑनलाइन वालों की अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में। ऐसी स्थिति में अब ऑनलाइन केवल हम नहीं रख पाएंगे, ऑनलाइन का केवल विरोध करेंगे उससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि जनता को भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन से सुविधा होती है, और पूरे लॉकडाउन में देखा गया कि ऑनलाइन से लोगों को घर बैठे राशन मिला तो दिक्कतें नहीं हुई। सरकार को कई तरीके से काम करना पड़ेगा, एक तो अपने जो टैक्सेस हैं उसमें कहीं ना कहीं रियायत देनी होगी, साथ ही साथ टैक्स को वसूलने में शिथिलता रखनी होगी, कुछ टैक्सेस जिससे तुरंत कोई सरकार को नुकसान नहीं होने जा रहा उसको छोड़ना होगा, जिसके अमाउंट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापारियों पर विश्वास करना पड़ेगा, उद्योगपतियों पर विश्वास करना पड़ेगा, उनको आसान शर्तों पर जो जैसा व्यापारी डिमांड करे उससे उसको वैसा ऋण उपलब्ध करा दिया जाए। अगर उसके पास कोलेटरल कोई नहीं है तो वो ना लेकर के 2 लोगों की 4 लोगों की गारंटी पर उसको छोटी छोटी पूंजी उसको मुहैया करा दी जाए, ताकि वो अपने व्यापार को आगे सुगमता और गति दे पाए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यूपी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग तरीके से काम करें। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये अपने ही देश से करोड़ों रुपया कमा के ले जा रही हैं, हम लोग केवल उससे कंपटीशन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास
अपने किसी वेबसाइट को, अपने किसी ऐप को, अपने किसी प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद चलाने का हमारे पास बहुत बढ़िया तरीका नहीं, क्योंकि उसमें कई सौ करोड़ रुपए का चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में अगर भारत के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को सरकार जैसे भी यूपी में बना रहे हैं वर्चुअल मॉल बना रहे हैं, तो उस वर्चुअल मॉल में लोकल व्यापारियों की दुकानें हों तो निश्चित रूप से व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार को व्यापारियों को हर तरीके से मजबूत करना पड़ेगा, तभी सरकार मजबूत होगी। यदि व्यापारी नहीं मजबूत होगा तो सरकार किसी भी हालत में मजबूत नहीं हो सकती। सरकार को इस बात की चिंता करनी होगी। और टैक्स सरकार फिलहाल साल डेढ़ साल दो साल इस तरीके से ले, क्योंकि अभी पिछली कोविड को हम सर्वाइव किस तरीके से किए हमने, दूसरा कोविड का काल आ गया, ईश्वर न करे तीसरा आ गया, तो यकीन जान लीजिए कि बहुत भयावह स्थिति होगी। अभी तो सरकार कुछ कंट्रोल कर पा रही है, उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चूर चूर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी हम लोग बता नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं और मैं भी उस चीज़ों को समझ सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि किस तरह से व्यापारी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था उनको, जिनके तो दुकानों पर आप लॉकडाउन के समय पे आप माल तक खराब हो जा रहा था लोगों का, जो उन्होंने वहाँ पर स्टोरेज कर रखी थी, उन्होंने जो डिमांड के अनुसार जो प्रोडक्शन को लेकर उन्होंने कर रखा था उसका भी नुकसान हुआ भारी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार को एक और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यापारियों को मजबूती चाहिए जिससे सरकार को भी आगे मजबूती मिल सके और जीडीपी की भी ग्रोथ हो सके। एपी तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि टैक्स में क्या कटौती करने की इस वक्त सरकार को जरूरत है, और क्या सरकार इस स्थिति में है कि टैक्स में कटौती कर सके और व्यापारियों को कुछ सहूलियत मिले? देखिए, जहां तक कर रियायत की बात है, खासतौर पर जीएसटी है, तो जीएसटी काउंसिल है, उस पर राज्यों के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय स्तर पर इस पर एक ये बहस का मुद्दा है कि क्या राहत दी जा सकती है, कुछ यदि प्रतिशत की ही राहत दी जाए, कुछ थोड़ी बहुत राहत तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी व्यापारियों के लिए। एक बात और जो मैं रखना चाहता हूँ वो ये कि लगातार इस बात के संकेत हैं कि जो मांग बढ़ने वाली जो बात आ रही है कि मांग बढ़ेगी तभी तो व्यापारी का माल बिकेगा, लेकिन मांग बढ़ने की स्थिति तो तभी बेहतर होगी जब रोजगार के अवसर बढ़ें। अनुमान ये बता रहे हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के कि जो नगरों में बेरोजगारी दर है वो 6 मई को जो सप्ताह है वो 3.5% से घटकर 14.4% पर आया, लेकिन जो दर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है उसमें 3.7% से बेरोजगारी बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि कुल मिलाकर सेंटर के जो अनुमान है वो बताते हैं कि मई में 11.9% बेरोजगारी की दर थी और 6 जून को ये पहुंच गई, 6 जून 2021 को ये पहुंच गई 13%। तो मेरा मानना है कि रोजगार को बढ़ाना सबसे बड़ी एक चुनौती बनी हुई है, और जैसे उत्तर प्रदेश का मॉडल बहुत ही कह रहे हैं प्रमुखता के साथ इसका नाम लिया जाता है, उत्तर प्रदेश ने प्रयोग किया ODOP के जरिए, MSMEs के जरिए लगातार कह सकते हैं स्किल मैपिंग की गई, तो रोजगार यूपी का जो मॉडल है वो पूरे भारत में लागू करने के भी बजट में ये, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन पिछले बार के बजट में भी हम लोग ने ये आशा लगाई हुई थी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी अच्छे कुछ कर सकती है केंद्र सरकार, लेकिन उस तरह का बजट में कुछ दिखा नहीं था पिछली बार भी। देखिए, कोई इस तरह की कह सकते हैं जैसे एमएसएमई सेक्टर है तो उसको मुद्रा लोन के जरिए जो राहत दी जाती है, जो बजट है बजट तो केवल जैसे ODOP तो ODOP हर जिले में उसके एक्सपोर्ट का सेंटर खोला जाना, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण, तो आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़ा है जबकि अन्य राज्यों खासतौर पर विकसित राज्यों का निर्यात घटा है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेंड है, ये महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लगातार इस बात का फोकस रहा कि जो
विभिन्न जिले हैं वह किसी न किसी वस्तु के उत्पाद में विशिष्टीकरण रखे हुए हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, गुणवत्ता परक वस्तुएं उत्पादित की जाए, उनकी केवल स्थानीय बाजार न हो, केवल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय बाजार न हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उस माल को उनकी उत्पादों को बेचा जाए, इसमें सफलता दिख रही है। क्योंकि निर्यात का बढ़ना, खासतौर पर खेती को ही ले लिया जाए तो उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात में वृद्धि एक महत्वपूर्ण संकेत देती है कि खेती और गैर खेती की जो गांव की क्रियाएं हैं उनको जोड़कर इस तरह के उत्पादन को उत्पादों को निर्यात किया जाए। तो मैं समझता हूं कि नीतियों में परिवर्तन, जैसे संजय ने कहा कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग से वो कम्पीट कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं और वो स्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो नीतिगत पक्ष हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, जैसे ये वो कह रहे हैं जो समृद्ध राज्य है भारत के, वहां पर निर्यात की वृद्धि एक और निर्यात की वृद्धि कम है तुलना में यूपी के। एक और खास बात है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कम है तुलना में भारत के कुछ कह सकते हैं विकसित राज्यों तक के जो आंकड़े हैं बता रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ये एक सफल कह सकते हैं मॉडल माना जा सकता है कि जो हमारी सामर्थ्य है, जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं जिनमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पूंजी का कम होता है, उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। और जो संजय जी ने कहा कि उन्हीं की ट्रेडिंग की भी व्यवस्था, यानी ट्रेड व्यापार और उत्पादन, इनमें इनको जोड़ा जाए और तीन बातें खास तौर पे व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण उसका असर दिखेगा, अन्य राज्यों में भी दिखेगा। यूपी ने तो उसको कर दिखाया है। सबसे पहले तो उद्यमिता का विकास किया जाए, सामाजिक पूंजी सृजित की जाए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, बिजली पानी की व्यवस्था कर दी जाए उनके लिए, पूंजी की व्यवस्था कर दी जाए, और तीसरे जब उत्पादन हो जाए तो उसकी मार्केटिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस किया जाए। मैं समझता हूं इस तरह के मॉडल सफल होंगे तो जो अब क्योंकि स्थिति तो समझनी पड़ेगी ना कि यदि कोरोना की तीसरी लहर भी कहीं से असर देती है तो अर्थव्यवस्था को फिर झटका लगेगा। तो ये जो एक उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं महामारी के चलते, इनको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इनके असर को कैसे कम किया जाए, दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसकी रणनीतियों पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है संजय जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए मैं ये कह रहा था कि इस समय अगर सरकार व्यापारियों को 3 महीने के लिए सभी तरीके से फ्री कर दे, और जो जीएसटी का टैक्स वाली बात है जी, टैक्स की रिबेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, टैक्स तो देती है जनता, व्यापारी को समस्या क्या है जो हमारे उस पर पेनल्टीज हैं, हमारे जितने उसमें लेट फीस हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं जो सरकार आसानी से दे सकती है। लेट फीस को छोड़ना सरकार के लिए बाएं हाथ का काम है, जीएसटी काउंसिल तय कर सकती है, जो हमारे पेनल्टीज हैं, जो हमारे ब्याज हैं वो सरकार छोड़ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार की वो एक्स्ट्रा इनकम में आएगा, सरकार को उसकी उसमें डायरेक्ट उसमें नहीं था। तो इससे क्या होगा कि व्यापारियों के जो खर्चे हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं कुछ कम होगी, इनकम कम होगी और आगे भविष्य के लिए व्यापारियों को सेविंग मिल जाएगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा संजय जी, मुझे इस समय आप इसको बाइंड अप करने की ओर बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरह से आप लोगों ने बोला है कि आपको व्यापारियों का दुख सुनाई पड़ा कि किस तरह से व्यापारियों को क्या कुछ चाहिए, और साथ ही साथ आपने जाना कि एपी तिवारी ने किस तरह से बताया कि अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी, हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो अर्थव्यवस्था को लेकर भी वैक्सीन लगाने की जरूरत है और उस पर भी कार्यरत होने की जरूरत है, साथ ही साथ व्यापारियों की जो मांग है उसको लेकर भी सरकार को आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि व्यापारी अगर मजबूत होगा तो सरकार भी मजबूत होगी और आगे से अग्रसर आगे बढ़ेगी और जीडीपी को ग्रोथ मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।